नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर इंटरनेट। इस वक्त की बड़ी खबर झांसी के चिरगांव से है, जहां थाना परिसर में चौपाल लगाकर थाना प्रभारी ने लोगों को नए कानून की जानकारी दी। आपको बता दें कि चिरगांव थाना परिसर में सोमवार 1 जुलाई को थाना प्रभारी तुलसीराम पांडे के नेतृत्व में थाना क्षेत्र के लोगों के बीच चौपाल लगाकर नए कानून की जानकारी दी गई। चौपाल में थाना प्रभारी ने सभी के साथ मिलकर राष्ट्रगान का गुणगान किया और नए कानूनों की जानकारी देते हुए हम सभी को नए कानूनों से जागरूक किया और अन्य लोगों को भी जागरूक करना एवं वहीं नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जानकारी भी दी गई। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि पहले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को साक्ष्य के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं थी, परंतु अब नए कानूनों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को भी मान्यता प्रदान की गई है। वहीं महिलाओं से संबंधित अपराध के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध पर अब नहीं होगा कोई समझौता। गैंगरेप के मामलों में अब कम से कम 20 साल की सजा या आजीवन कारावास तथा झूठे वादे या पहचान छुपाकर एवं संबंध बनाना अपराध की श्रेणी में होंगे शामिल, तथा 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में आजीवन कारावास या मृत्युदंड की दी जाएगी सजा। वहीं नए भारत के नए कानून में संगठित अपराध के खिलाफ सख्त उठाए गए कदम। आपको बता दें कि इस मौके पर थाना अध्यक्ष ने यह भी कहा कि गांव में प्रधानों को सुरक्षा की दृष्टि से गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाने चाहिए, जिससे कोई भी घटना होने पर सीसीटीवी कैमरा की मदद से घटना के बारे में जानकारी हो सके। इस मौके पर ग्राम पंचायतों से ग्राम प्रधान, पार्षद, पत्रकार बंधु एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक तथा आम जनमानस व थाने के सभी उप निरीक्षक, सिपाही सहित समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। झांसी के चिरगांव से संवाददाता ब्रजेंद्र कुशवाहा के साथ परशुराम कुशवाहा की खास रिपोर्ट। जितने भी अपराध है, मारपीट की हो, चोरी की हो, या झूठ बोल करके प्रकरण झूठा हुआ, तो फिर आप भी दंड के पात्र होंगे। सही चीज है, उस पर त्वरित कद से कार्रवाई होगी। इसलिए विशेष करके सबको बताना था कि जो सही है वही करिए, अपराध से दूर रहिए, कोशिश करिए कि हम अपराध से दूर रहे। और चीजें थी, किसी चोर को पकड़ लिया, मॉब लिंचिंग खूब इधर हुई है। आप तो हालांकि ये तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे झांसी में इस तरह की घटना नहीं हुई है। किसी को धर्म जाति विशेष का बता करके पकड़ लिया और पीट पीट करके मार डाला, या किसी चोर को या किसी अपराधी को पकड़ लिया, भीड़ नहीं मार डाला, उसमें बहुत बड़ी सजा का प्रावधान कर दिया गया है। मॉब लिंचिंग अब नहीं। किसी को पकड़ लिया, आपकी दुकान में चोरी कर रहा था कहीं, तो आपने पीट लिया और पीट के लाके पुलिस को दे दिया, वो सब चीजें नहीं है। आप पकड़ सकते हैं, अब उसके टाइम भी 4 घंटे या 6 घंटे, 4 घंटे है समोता, आप पकड़ करके आप मुझे देंगे उसे बिना किसी परिश किए हुए, बिना किसी मारपीट किए हुए। तो पहले जैसी चीजें अक्सर होता है कि होटलों में लेबर ने किसी चोरी की और पता ना उसको पीट करके आपने बैठा लिया, बांध दिया रस्सी वस्सी से, और फिर आप पुलिस को इन्फॉर्म कर रहे हैं। ये सब भूल के भी ना हो, किसी भी कीमत पे ना हो, इन सब चीजों से है बहुत सारी सुधार हुए हैं इसमें, अपराध से दूर रहे। और गांव में भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया था सेफ सिटी। सेफ सिटी के अंतर्गत यही हुआ था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, घरों में चोरियां हो जा रही है, रास्तों में कुछ घरों में एक एक दो दो कैमरे लगा लेंगे तो आप वो समझिए कि आपको 4 चौकीदार लगाने के बराबर है।